हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉफ क्यू टेबलेट की संपूर्ण जानकारी जानेंगे, जिसमें जानेंगे कि इसकी प्राइस क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या, और ये जो कंपोजिशन है क्या क्या काम करता है, इसे किन किन बीमारी में जो है इस्तेमाल किया जाता है, इसे कितनी मात्रा में लेना है, कौन ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, और साथ में जानेंगे इस टैबलेट को लेते समय क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, संपूर्ण जानकारी जानने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, कॉफ क्यू टैबलेट जो है सिप्ला कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। प्राइस की बात करें तो 36 रुपीज़ है, जिसमें आपको एक स्ट्रिप में 10 टैबलेट मिल जाएगा। और इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर जो है पैरासीटामोल 325 मिलीग्राम मिल जाएगा, ब्रोमहेक्सिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 8 मिलीग्राम, और क्लोरफेनिरामिन मेलियट जो है 2 मिलीग्राम, फिनाइल लेफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड जो है 10 मिलीग्राम, और गुआइफेंसिन जो है 100 मिलीग्राम मिल जाएगा। ये कुछ इन्ग्रीडियंट इसके अंदर जो है शामिल किया गया है। अब बात करें कि ये जो इंग्रेडिएंट है क्या काम करता है, तो देखिए इसके अंदर जो पैरासीटामोल है ये एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक क्लास की दवा है, जो दर्द और बुखार को कम करता है। और इसके अंदर जो ब्रोमहेक्सिन है ये म्यूकोलाइटिक क्लास की दवा है, जो बलगम को बलगम के जो थिकनेस है उसको कम करता है, ताकि कफ जो है बाहर निकल सके। और गुआइफेंसिन जो है, ये ग्वाइफेंसिन क्या करता है, तो एक प्रकार का कफ एक्सपेक्टोरेंट है, जो बलगम को पतला कर देती है, जिससे बलगम पतला होकर आसानी से फेफड़े से बाहर निकल जाता है। और इसके अंदर जो क्लोरफेनिरामिन है ये एक प्रकार का एंटी हिस्टामिन क्लास की दवा है, जो कि एलर्जी या जो कोल्ड के सिम्टम्स होते हैं, जैसे इचिंग हो गया, रनी नोज हो गया, नाकों से पानी आ रहा हो या छींक आ रहा हो, उसको ठीक करता है। और इसके अंदर जो फिनाइलेफ्रिन है ये वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, और यह क्या करता है, नाक के जो रास्ते में ब्लड वेसल्स है उसको जो है संकुचित कर देता है, और जो नाक बंद नाक है उसको खोलने का काम करता है। यानी जो बंद नाक हो जाता है, जब एलर्जी के कारण, खांसी सर्दी के कारण जब नाकें बंद हो जाता है तो उसको खोल देता है। अब बात करें कि इसे किन किन बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है, तो देखिए इसका इस्तेमाल जो है वेट कफ में किया जाता है। ये टैबलेट जो है कॉफ क्यू टैबलेट जो है वेट कफ, यानी जब गीली खांसी हुआ रहता है किसी व्यक्ति को, तो उस कंडीशन में जो है ये कॉफ क्यू टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। बलगम वाली खांसी हो या कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो, ठीक है, कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम हो जिसके कारण व्यक्ति में बुखार आ जाता हो, सिर में दर्द रहता हो, बदन में दर्द रहता हो, छींकी आ रहा हो, नाक से पानी आ रहा हो या नाकें बंद हो, उन सभी कंडीशन में ये कॉफ क्यू टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करें इसे कितनी मात्रा में लेना है, तो देखिए इसे जो है 12 साल से अधिक उम्र के बच्चे ले सकते हैं, 12 साल से कम उम्र के बच्चों में इसका इस्तेमाल ना करें, और जो एडल्ट व्यक्ति है उनमें भी दिया जा सकता है। तो जो एडल्ट व्यक्ति है उनमें एक एक टैबलेट दिन में 2 बार खाना खाने के बाद दिया जा सकता है। 12 साल से अधिक उम्र के बच्चों में भी जो है एक एक टैबलेट दिन में 2 बार दिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खाने के बाद ही दिया जाता है और डॉक्टर की सलाह से ही दिया जाता है, खुद से आपको ये दवा जो है नहीं लेना है। अब बात करें यह टैबलेट लेने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, तो व्यक्ति को चक्कर आ सकता है, नोजिया वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, पेटों में दर्द होना, और ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह सूखना, प्यास अधिक लगना, ये सब जो है साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है। तो ये या इसके अलावा कुछ और भी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, तो आप जो है कॉफ क्यू टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें। अब बात करें ये टैबलेट लेते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो देखिए इसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में और 12 साल से कम उम्र के बच्चों में देना ही नहीं है, ठीक है। और यह टैबलेट लेने के बाद अल्कोहल का भी सेवन ना करें। यदि कोई व्यक्ति यह दवा लेता है और किसी भी प्रकार के एलर्जी हो जाता है, इसमें जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है उन इंग्रेडिएंट से किसी प्रकार के एलर्जी हो, तो उन्हें भी यह टैबलेट यूज नहीं करना है, ठीक है। यदि किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, या थायराइड प्रॉब्लम है, या जो है दौरे पड़ते हों, ठीक है, तो उन्हें, या कोई व्यक्ति जिसको किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, उनको ये टैबलेट जो है नहीं लेना है। लेना भी हो तो डॉक्टर की सलाह एक बार ज़रूर ले लीजिएगा। तो दोस्तों, ये था कॉफ क्यू टैबलेट की संपूर्ण जानकारी। आपको ये वीडियो से अगर नॉलेज मिला हो
तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।